सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं इसमें जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करने वाला हूं सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस पहले हमें जाना ड्रॉ टूल के अंदर इस बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद, उसके बाद जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को अपने मैंने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इसका रखा है, एंड जिसको बैकग्राउंड करना नहीं आता मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो की लिंक दे रखी है, तो अपन दोनों वीडियो को देख के आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। ओके सो मैं पहले ऐसे मॉडल को ले लेता हूँ। सो गाइस मैं मॉडल को यहाँ पे ले लिया था, यहाँ से मैं डन करेंगे यहाँ से। एंड डन करने के बाद गाइस आप सभी करना क्या, इसको आपको सिंपली इस तरीके से बैकग्राउंड पे यहाँ पे लगा लेना है। ओके सो यहाँ पे लगाने के बाद आप सभी को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे एक और लेयर बनानी है। लेयर में जाके आप सभी को इक्वेटी लेयर बनानी है। ओके सो उसके बाद आप सभी को उसको उस लेयर को नीचे रखनी है, एंड ब्रशेज में जाना है, एंड ओपेसिटी को गाइस आप सभी को 11 तक रखना है, एंड साइज़ को फुल रखना है। एंड इसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ से पहले एंडो कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक साइड में एक हो गया है, तो उसको पहले मैं लेयर देखता हूँ मेरी लेयर है। अब उसके बाद जूम करेंगे यहाँ से। जूम करने के बाद गाइस हम यहाँ से सिंपली यहाँ पे अपने इसके मॉडल के नीचे शेडो बनाएंगे। ओके सो शेडो बना लेते हैं हम इस तरीके से। एंड शेडो का जो हमें इस तरीके से बनानी कि जो ज़्यादा डार्क भी ना हो और ज़्यादा मतलब कि इतनी भी मतलब डार्क भी ना हो, ज़्यादा लो भी ना हो, तो इतनी बना लेनी है। तो ये हमारी शेडो बन चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक दोबारा हम लेयर में जाएंगे, फिर एक और इम्पटी लेयर बनाएंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, एयर फोटो में जाके हम लेंगे कैट का पीएनजी। ओके जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है इस पर कैट भी है, तो हम इसको कैट का पीएनजी लेंगे ये वाला, एंड ऐसे डन कर देंगे। और इस कैट के पीएनजी को हमें यहाँ पे ये देखो गाइस, ये हमारा मतलब कि जो मॉडल है उसका फेस आधा ढक रहा है। तो गाइस इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम इसको जो कैट है हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ओके सो इसको छोटा कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से परफेक्ट है। ओके सो यहाँ तक हमारा हो गया काम। तो अभी इसको हम पहले यहाँ पे थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। और गाइस ज़्यादा ध्यान रखना कि कैट आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि यार फिर कैट बड़ी हो जाएगी तो यार मतलब फेक लगेगा ना। तो कैट को आप सिर्फ ऐसा रखना कि वो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ओके तो उसके बाद आपको ब्रशेज में जाना है, एक और इम्पिटी लेयर बना के, एंड उसके आपको ओपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेना है। एंड सिंपली इसके बाद आप सभी को इस तरीके से कैट के नीचे शेडो बनानी है इस तरीके से। एंड शेडो आप सभी को गाइस शेडो इस तरीके से बनानी है कि यार लगनी चाहिए कि हाँ असली मतलब कि सही में बैठी हुई है। तो मतलब कि ये ऐसे साइड में आप सभी को मॉडल के बगल में भी आप सभी को ऐसे शेडो क्रिएट कर लेनी है, ताकि जो मतलब कि कैट है जो उसकी शेडो आपके मॉडल के ऊपर भी पड़ रही है, तो ये दिखाने के लिए आप सभी को ये शेडो भी बनानी होगी। ओके तो यहाँ तक हो चुका है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक और लेयर बनाएंगे यहाँ पे हम। तो उस लेयर का क्या काम करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। उस लेयर से हमें गाइस अपनी कैट की और मॉडल है जो इन इसकी दोनों की शेडो हमें जो हमारी वॉल है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट उसके शेडो उसके वहाँ पे आ रही है, तो हम उसके लिए थोड़ी ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब छोटा सा पेंट करेंगे, एंड उसका लेयर में जाएंगे, एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको सिंपली इस तरीके से बड़ा करेंगे। एंड हम सिंपली यहाँ पे अपने इसके मॉडल एंड कैट के पीछे इस तरीके से हम मर्ज कर देंगे। ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मतलब कि हमारे इसको बनाने से क्या मतलब कि क्या हमारे इसका क्या फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपको अभी दिखाऊँगा इसका। तो ये यहाँ पे ये हमारी शेडो यहाँ पे लग चुकी है, तो अब यहाँ से हम सिंपली डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस देखिए ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए गाइस कितना अच्छा मतलब कितना फ़र्क दिख रहा है। तो अभी थोड़ी अच्छी भी लग रही है फोटो, तो अभी हम यहाँ से डन करते हैं। एंड गाइस अभी हमारा एक काम रह गया है, हमें दोबारा ड्रॉ टूल में जाना पड़ेगा। ड्रॉ टूल में जाने के बाद हमें जो कैट है उसके उसके आईज़ को हमें आई को हमें थोड़ा वो मतलब कि लाइट करनी है। तो उसके लिए पहले हम इसको यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके सो इसको वाइट कलर को सिलेक्ट करके एंड सिंपली हम उसके आई के ऊपर इस तरीके से पेंट करेंगे। ठीक है तो इसको पहले हम इसकी साइज़ को छोटा कर लेते हैं, अराउंड 5.3 तक रख लेते हैं, 5.3 तक। एंड उसके बाद हम इसको इस तरीके से पेंट करेंगे। ठीक है तो मतलब कि इसी मतलब कि वाइट कलर से हमें इसकी एक आई को बनाना है ऐसी, है ना। तो उसकी आई को बनाते हैं ऐसे करके, एंड इसका दोनों इसको कर लेते हैं। एंड यहाँ पे तक हो चुका है, तो ये देखिएगा इसका परफेक्ट अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद अब हमें इसमें लाइट इफेक्ट देना है वो ब्लू कलर का, तो उसको हमें कैसे करना है तो मैं आपसे बताता हूँ। तो पहले हमें आप एक और लेयर बनानी पड़ेगी। लेयर बनाने के बाद आप सभी को जाना है कलर्स में। ठीक है तो पहले ब्रशेज में जाकर हम पहले इसको ये जो है इसको ये वाला ब्रश ले लेते हैं, एंड उसके बाद ये वाला कलर्स में जाकर हम ये वाली ब्लू कलर को ले लेते हैं। ओके तो स्मूथ वाला ब्रश ही लेना है आप सभी को, स्मूथ वाला ब्रश ही लेना आप भी। तो उसके हम पहले इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड सिंपली हमें एक पेंट यहाँ करना है और एक पेंट इस जगह पर करना है इस वाले यहाँ। ठीक है तो ऐसा हो चुका है। तो उसके बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम जाएंगे लेयर में, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है हमें वो लाइटन रखना है। ओके तो इसको लाइटन कर देते हैं, एंड थोड़ी सी ओपेसिटी को हम हल्की सी कम करेंगे। ठीक है गाइस तो परफेक्ट यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से हम यहाँ से डन कर देंगे। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है, पहले
हम जाएंगे ऐसे ब्यूटी वाले ऑप्शन में। ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये फेस फिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलते हैं। एंड इस पर जाने के बाद आप सभी को पहले तो इसकी ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम ब्रशेज में जाके इसकी जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड जो कि हमारा मतलब फेस है जो थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा तो हमें थोड़ा सा साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट कर देते हैं। एंड जहाँ जहाँ पे हमें मतलब कि फेस फिक्स करना है वहाँ पे हमें पेंट करना है इस तरीके से, एंड वहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेते हैं ऐसे। सो उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी को हमें रखना है 5.4 तक, ठीक है। 5.4 तक रखना है क्योंकि गाइस आप सभी को मैं देखो ज़्यादा करेंगे तो इतना मतलब कि ऐसा दिखेगा तो अलग ही दिखेगा कि मतलब फेस पता नहीं क्या हो गया, तो इसलिए 5.4 तक रखना है आप सभी को ओपेसिटी इसकी। एंड यहाँ से डन कर देना है, ओके। सो यहाँ से सिंपली हम डन करते हैं। एंड उसके बाद जाएंगे हम दोबारा टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद हम थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे ब्रशेस को छोटा करके। एंड उसके बाद जूम करेंगे, ओके। सो जूम करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो है डोज एंड बर्न करेंगे, ठीक है। तो ये साइज़ थोड़ा छोटा है तो उसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। सो इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी पहले ओपेसिटी को हमें संभालना है कि हमें कितना रखना है, अराउंड 5.4 तक इसको भी रखना है। तो उसको हम यहाँ से करते हैं। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाकर जो साइड साइड पर हमारा रह गया इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इरेज कर लिया। एंड यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे जो ऊपर इमोशंस लिखा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन हमारे हेयर के ऊपर पड़े तो हमें इसको रियलिटी दिखाने के लिए हमें क्या करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रशेज में जाकर ब्रश के साइज को छोटा कर लेना है। एंड सिंपली जूम करके आप सभी को अपने हेयर के ऊपर पेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से पेंट कर लेना है। तो ये जो बाहर बाहर का एरिया है उससे हमारा फोटो थोड़ी नकली लगेगी, तो इस वजह से हमें थोड़ा साइज को बड़ा करके एंड ओपेसिटी को कम करके हार्डनेस को कम करके हमें इस तरीके से पेंट करना है। तो अभी भी हमारा जो है मतलब कि एरिया में जो बाहर बाहर के एरिया में वाइट कलर चला गया है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इरेजर में जाएंगे। एंड इरेजर में जाने के बाद हमें पहले इसकी ओपेसिटी को कम करना है, ठीक है। ओपेसिटी को इतनी कम नहीं, 67 तक कुछ रखना है। एंड यहाँ से साइज को छोटा करके, तो वैसे जैसे हमारा बहुत टाइम लग जाएगा एंड वैसे भी मतलब टाइम लग जाएगा, उसके बाद फोटो सही से भी नहीं बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को, इरेजर टूल में दोबारा जाना है आप सभी को। एंड इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके से ब्रश करना है, ठीक है। तो अभी देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड यहाँ से डन करेंगे। एंड यहाँ से जो ओपेसिटी थोड़ी सी बड़ा घटा के हम देख लेंगे कि हमें कहाँ तक कितना चाहिए। तो देखिए भाई गाइज यहाँ तक थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो इतना कर देंगे। एंड इसके बाद जो है हमें टूल्स में दोबारा जाना है, नहीं टूल्स का काम हो चुका है, यहाँ से सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ से चलते हैं बैक एंड लाइट रूम ऐप में इसकी रीटचिंग करेंगे। तो बस लाइट रूम ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। एंड कैसे बताया यार आप सभी ने वीडियो का लाइक नहीं किया, वीडियो का लाइक कर देना क्योंकि यार आज मैं दिन की तीसरी वीडियो डाल रहा था, वीडियो का लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। तो मतलब कि मैंने मतलब यार आप सभी के लिए मतलब कि कौन सा ढूंढता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या लाता रहूँ, तो मतलब इसलिए यार प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। सो मैंने फोटो को लिया है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है आप सभी को, फोटो को ओपन कर लेने के बाद आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड जो एक कॉन्ट्रास्ट है इसको बढ़ा देना है, लाइट है तो उसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। तो उसके बाद शेडो है, शेडो को भी थोड़ा कम करना है। एंड जो ब्लैक है इसको तो आपको बढ़ा देना है, ठीक है। ब्लैक को है तो बढ़ा देना है, नहीं तो मतलब कि ब्लैक कम करोगे तो थोड़ी मतलब कि डार्क हो जाएगी फोटो। तो लाइट वाला ऑप्शन जाएंगे, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, इसमें जाएंगे और ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस करेंगे, येलो कलर के ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर ले देंगे। एंड ग्रीन कलर जो हमारी कैट के ऊपर आ रहा था उसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। एंड येलो कलर है उसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम ब्लू कलर में, इसकी सैचुरेशन को माइनस करेंगे ताकि हमारी वॉल जो है पूरी ग्रे कलर की हो जाए। एंड कर जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हल्का सा विकनेट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। इसको कम कर देता हूँ मैं, तो हल्का सा विकनेट 10 ग्रीन अमाउंट को डालना है। एंड इसके नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देंगे। एंड जो कलर सॉरी न्यूट्रिशन को बढ़ा देंगे, कलर न्यूट्रिशन को बढ़ा देंगे। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।